अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोजोलॉजी जोन। टुडे आवर टॉपिक इज बायो फैक्टर्स एंड इंट्रैक्शंस अमंग दीस। आज हम बायोटिक फैक्टर्स के मुतालिक पढ़ेंगे और जो उनमें इंट्रैक्शंस होती है उनको देखेंगे। सबसे पहले इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा का मतलब होता है सेम, अमंग मतलब सेम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक स्पीशीज के, उनके दरमियान जो कंपटीशन होता है उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि सेम स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान जो कंपटीशन होता है हम उसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। इंटेंस ड्यू टू सम सेम रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज़। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, यानी शदीद होता है, क्योंकि जाहिर है जो सेम स्पीशीज़ के दरमियान है तो उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होगी या जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी फूड की, शेल्टर की, वो भी उनकी सेम होगी, इसलिए उनमें ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी सेम ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इसकी ऑपोजिट टाइप है इंट्रा के। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट अमंग मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो कंपटीशन होता है उसके मेंबर्स के दरमियान, उनको हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। वो सेम स्पीशीज़ के ही होते हैं, मतलब दो जो मेंबर्स होते हैं ये डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं, इनके दरमियान जो कंपटीशन होगा वो हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। इसमें कौन कौन सा आ जाता है कंपटीशन? हर्बीवोरी आ जाता है, प्रीडेशन आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, को एवोल्यूशन आ जाता है और सिम्बियोसिस आ जाता है। ये इसकी टाइप्स में आ जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हर्बीवरी। हर्बीवरी क्या होता है? एनिमल फीड ऑन प्लांट्स बट यूजली नॉट किलिंग प्लांट, जो कि फीड करते हैं प्लांट पे लेकिन उसको किल नहीं करते, उसे हम कहते हैं हर्बीवरी। हर्बी का मतलब, हर्ब्स का मतलब ही होता है प्लांट्स, तो हर्बीवरी वो होते हैं एनिमल्स होते हैं जो प्लांट पे फीड करते हैं, उसे हम हर्बीवरी करते हैं, लेकिन ये प्लांट को कोई नुकसान नहीं देते, यानी उसे किल नहीं करते। प्रीडेटर्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स प्रोवाइड फूड फॉर प्रीडेटर्स डैट फीड बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म। जो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट पे फीड करते हैं वो आगे किसकी खुराक बन जाते हैं? पैरासाइट्स की, सॉरी प्रीडेटर्स की, क्योंकि प्रीडेटर्स क्या करते हैं उन हर्बीवोर्स को कैप्चर करते हैं, उन्हें किल करते हैं, फिर उन्हें क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, यानी ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, फिर उन्हें ईट कर लेते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स इनकी खुराक बन जाती है प्रीडेटर्स की। नेक्स्ट हमारे पास सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस हम देखेंगे ये टू डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान एक एसोसिएशन होती है, यानी कि रिलेशनशिप होता है, इन कंटिन्यूइंग इंटीमेट एसोसिएशन, जो एक ही जगह पे पाए जाते हैं। टू डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होता है उसे हम कहते हैं सिम्बियोसिस, इसे जो एक ही जगह पर रह रहे होते हैं। ठीक है, ये भी एक टाइप होती है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की। ये सिम्बियोसिस को देखेंगे, आगे इसके टाइप्स को देखेंगे। सिम्बियोसिस में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास? तो पहले हमारे पास आ जाती है पैरासाइटिज्म, कॉमन फॉर्म ऑफ सिम्बियोसिस इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन और ऑन अ सेकंड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, और उसी पर वो फीड कर रहा होता है। ठीक है, होस्ट यूजली सर्वाइव एट लीस्ट लॉन्ग इनफ फॉर पैरासाइट टू कम्प्लीट वन और मोर लाइफ साइकिल। होस्ट को बड़ी ज़्यादा देर तक उसे ज़िंदा रहना होता है, क्योंकि वो खुराक होता है पहले ऑर्गेनिज्म की जो उस पर फीड कर रहा होता है या उस पर रह रहा होता है, तो उसे जो होस्ट होता है उसे बहुत ज़्यादा देर के लिए सर्वाइव करना होता है, ताकि वो जो उस पर आके फीड कर रहा है ऑर्गेनिज्म उसकी खुराक को मैसर कर सके, उसके लाइफ साइकिल्स को कम्प्लीट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास होस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेटिव होस्ट होता है यानी कि फाइनल होस्ट होता है, दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होता है। डेफिनेटिव होस्ट में की डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्बर्स द सेक्चुअल स्टेजेस ऑफ पैरासाइट्स, यानी जो पैरासाइट होता है उसकी जो सेक्चुअल स्टेजेस को पूरा कर रहा होता है, यानी कि सेक्सुअल स्टेजेस जो उसमें से गुजर रही होती हैं उसको हम डेफिनेटिव यानी फाइनल होस्ट कहते हैं। आगे इस होस्ट यानी जो हमारे पास डेफिनेटिव या इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ये क्या होता है, सेक्सुअल स्टेजेस को पूरा कर रहा होता है किस ठीक है, इसमें सेक्सुअल स्टेजेस पूरी हो रही हैं। अब जो उस डेफिनेटिव होस्ट में एक फर्टाइल फीमेल होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस एंड रिलीज हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ एग्ज, यानी कि वो क्या करती है कि एग्ज़ को रिलीज़ करती है और प्रोड्यूस करती है, पर प्रोड्यूस करेगी फिर रिलीज करेंगे वही एग, क्या करेंगे, एग गिव राइज टू ई मेच्योर स्टेज पैरासाइट ऑफ आ सेकेंड होस्ट।
यानी कि वो क्या करेंगे, ये जो एग उसने किया था रिलीज, वो आगे इमेच्योर स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि पैरासाइट के में कन्वर्ट हो जाएंगे ओवा सेकेंड होस्ट। सेकेंड होस्ट के सेकेंड होस्ट हमारे पास कहलाएगा इंटरमीडिएट होस्ट एंड ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन अकर इन दिस। फर्स्ट होस्ट में क्या आया था कि सेक्चुअल स्टेजेस पूरी हो रही होती हैं, लेकिन इसमें जो फीमेल ने एग रिलीज किया, एग ने आगे इमेच्योर स्टेज यानी पैरासाइट वो बन गया, ठीक है। अब जो जो पैरासाइट बन गया वो कर क्या सेकंड होस्ट का होगा, पैरासाइट होगा। अब जो सेकंड होस्ट है उसके में ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है। जो फर्स्ट होस्ट था यानी जिसमें डेफिनेटिव होस्ट था उसमें सेक्चुअल स्टेजेस आई। अब जो सेकंड होस्ट है यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट है उसमें कौन सी होंगी, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी। एसोसिएशन होती है यानी सेकंड टाइप जो होती है सिम्बियोसिस की, वो हमारे पास है कोमेंशलिज्म। यानी कोमेंशलिज्म क्या होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है ये भी। वन मेंबर ऑफ रिलेशनशिप बेनिफिट्स एंड सेकंड इज नेदर हेल्प्ड एंड नोर हार्म। यानी इसमें जो एक मेंबर होता है उसको बेनिफिट होता है, दूसरा जो होता है इस एसोसिएशन यानी इस रिलेशनशिप में होता है उसे ना ही तो बेनिफिट होता है और ना ही उसे नुकसान होता है, ठीक है। इस तरह का एक रिलेशनशिप है। थर्ड हमारे पास कौन सा होता है, म्यूचुअलिज्म, ये भी एक टाइप है सिम्बियोसिस की। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इसमें जो रिलेशनशिप में दोनों मेंबर्स होते हैं उन दोनों की क्या होता है, फ़ायदा होता है। लेकिन जबकि सिम्बियो एक कमर्शियलिज्म में सिर्फ एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान। कम्युनिटीज़ की तरफ देख लेते, कम्युनिटी क्या होती है, ऑल पॉपुलेशन लिविंग इन एन एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी, नॉट जस्ट रैंडम मिक्सचर ऑफ स्पीशीज, इंस्टेड दे हैव यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ना तो मिक्सचर होता स्पीशीज का रैंडम मिक्सचर, बल्कि इनकी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ठीक है। ऑल पॉपुलेशन लिविंग इन एरिया, जो एक एरिया में रह रही होती हैं सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीम कम्युनिटी हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ रेनबो ट्राउट दैट हैव्स डिटरमाइन द मेकअप ऑफ सर्टेन इनवर्टिब्रेट पॉपुलेशन ऑन विच ट्राउट फीड। यानी एक कम्युनिटी है, किसकी, स्ट्रीम कम्युनिटी है, उसमें क्या है कि एक लार्ज पॉपुलेशन है रेनबो ट्राउट की, वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है मेकअप सर्टेन इनवर्टिब्रेट पॉपुलेशन को डिटरमाइन करती है, ठीक है, और उसमें वो ट्राउट क्या कर रही होती है, फीड कर रही होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछें। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको अगला लेक्चर जल्दी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।